Hello everyone, I'm Hani Devanjindra and I'm your maths teacher. Today we will learn lot of many things from the book Tiny Tots Mathematics Skill Book Pre-Primal from the acknowledged series of Amit Publication. And today we will learn about time machine. Sequence of events in the day. हमें क्या करना है? हमें sequence set करने हैं according to the day, sequence of the day. Wake up in the morning. हम सुबह कितने बजे उठते हैं? यहाँ पे बहुत सारी pictures दी हैं. अब आप सब देखेंगे first picture में ये बच्चा सुबह उठ रहा है. Wake up in the morning. तो wake up in the morning कितने बजे? 6 o'clock, right? Then get ready for school. तो school वो कितने बजे तैयार हो रहा है? 7 o'clock. Back to home. अब स्कूल से वापस कितने बजे आ रहा है वो? 1 o'clock. Right? And have your lunch. और lunch कितने बजे कर रहा है वो? 2 o'clock. Study in the evening. तो study कितने बजे कर रहा है वो शाम को? 4 बजे कर रहा है. तो ये हमारा फिफ्थ सीक्वेंस हो गया. नाउ हमारा सिक्स सीक्वेंस में क्या आएगा? देन गो टू प्ले. 6 o'clock क्या कर रहा है वो? 4 प्ले एट द साउंड और प्ले आउटसाइड. 6 o'clock वॉच टीवी एट नाइट. तो अब वो टीवी कितने बजे देख रहा है रात को? ये हमारा 7 सीक्वेंस हो गया. 8 o'clock क्या कर रहा है वो? टीवी देख रहा है. और 9 o'clock क्या कर रहा है वो? सोने जा रहा है. एंड से गुड नाइट एट 9 o'clock. द लॉन्ग हैंड इज एट 12. आप देखेंगे ये आपकी क्या है? क्लॉक. राइट. 12 नंबर्स कैसे होते हैं इसमें? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसमें जो लॉन्ग हैंड होगा ये किस पे है? 12 पे. एंड द शॉर्ट हैंड इज एट 8. इट्स 8 o'clock. जब भी हमारा लॉन्ग हैंड 12 पे होगा और शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे होगा तो वो हमारा कितना हुआ? वही नंबर होगा जितने में हमारा शॉर्ट हैंड होगा. लाइक यहाँ पे 8 o'clock है. अब हमने शॉर्ट हैंड कहाँ पे करा? 9 पे करा. तो हमारा कितना हो गया? 9 o'clock हो गया. क्योंकि लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ पे है? 12 पे है. The long hand of the clock tells us the minutes. It is at 12. The short hand of the clock tells us the hours. Hamara long hand kya show karta hai? Minutes show karta hai. Aur hamara short hand kya show karta hai? Hamara short hand kya show karta hai? Hours. Ki hamare kitne hours ho gaye hain. It is at 8. अभी कहाँ पे है हमारा शॉर्ट हैंड? 8 पे है. तो ये कितना हो गया? 8 o'clock. Write the time below each clock. तब आप देखेंगे आपका लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? 12 पे है. और शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ पे है? 3 पे है. तो क्या हो गया यहाँ पे? 3 o'clock. क्योंकि हमारा शॉर्ट हैंड क्या शो करता है? आवर्स. नाउ हमारा लॉन्ग हैंड किस पे है? 12 पे है. और शॉर्ट हैंड किस पे है? 11 पे है. तो हमारा कितने बज गए यहाँ पे? 11 o'clock. अगेन हमारा लॉन्ग हैंड किस पे है? 12 पे. और शॉर्ट हैंड कहाँ पे है? 4 पे. तो कितना हो गए? 4 o'clock. नाउ अगेन हमारा लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? 12 पे है. शॉर्ट हैंड कहाँ पे है? 5 पे है. तो हमारे यहाँ पे कितना टाइम दिखा रहा है? 5 o'clock. अगेन
12 हमारा क्या है, लॉन्ग हैंड है, और शॉर्ट हैंड क्या है हमारा, 9 पे है। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 9 o'clock। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी दोनों आपकी जो पिंस है वो किस पे है, 12 पे है, तो ये हमारा कितना हो गया, 12 o'clock, राइट। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू ऑल हैव टू डू इन योर होमवर्क। डेज ऑफ वीक, अ वीक हैज 7 डेज, अ वीक हैज 7 डेज, मंडे, हमारा वीक कब से स्टार्ट होता है, मंडे से, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड संडे इज अ फन डे। नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर, अ ईयर हैज 12 मंथ्स, अ ईयर हैज 12 मंथ्स। January is the first month of the year. Children, listen very carefully. January is the first month of the year. February is the second month of the year. March is the third month of the year. April, now May, June, July, August, September, October, November and December. There are 12 months in a year. Now let's do the exercises. Check the correct answer. Which day comes after Wednesday? कौन सा दिन आता है Wednesday के बाद में? After means बाद में. So what comes after Wednesday? Thursday. Which day comes after Thursday? अब Thursday के बाद में कौन सा दिन आता है? Friday. Which day comes between Thursday and Saturday? Thursday और Saturday के बीच में कौन सा दिन आता है? Thursday, Friday, Saturday. Friday is comes in between Thursday and Saturday. Which is the second month of the year? अब आप सब मुझे बताओगे कि वन ईयर में कितने डेज होते हैं? 12 डेज होते हैं. वन, which is the second month of the year? तो आप सब मुझे बताएंगे वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. एंड which is the second month of the year? So let's start January, February. तो हमारा कौन सा होगा? February. February is the second month of the year. Which month comes between September and November? September और November के बीच में, in between कौन सा month आता है? October. Which month comes after October? October के बाद में, after means बाद में, October के बाद में कौन सा आता है? October, November. Which is the last month of the year? अब आप सब मुझे बताएंगे कि last month कौन सा होगा? Let's start from the starting month. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, December is the last month of the year. And in which month we celebrate Christmas Day? Yes, you all are right. In December month, we celebrate 25th December, Christmas Day. Which is the first month of the year? अब हमारे फर्स्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? यस, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. व्हिच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल? अब आप सब बताएंगे कि अप्रैल से पहले कौन सा मंथ आता है. सो लेट्स स्टार्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो कौन सा मंथ आया हमारा? मार्च.
which is the seventh month of the year. Now let's start. January, February, March, April, May, June, July. So July is the seventh month of the year. Thank you everyone. Stay excited for plan of another video.